आप देख रहे हैं न्यूज़ 8। मैं हूं स्वाति रायना। सड़क हादसे के शिकार लोगों की मदद को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया है, जिसमें अब सड़क हादसे में घायल शख्स को अस्पताल लाने पर पुलिस परेशान नहीं करेगी, साथ ही मददगार की मर्जी के बगैर पुलिस और अस्पताल उसका नाम भी नहीं पूछेगी और न ही मददगार को जबरन गवाह बनाया जाएगा। अक्सर ऐसे मामले सामने आते हैं जब सड़क हादसे में शिकार लोगों की मदद के लिए कोई आगे नहीं आता। ज्यादातर लोग कानूनी पेचीदगियों से बचने के लिए मदद नहीं करते। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। आदेश के मुताबिक अगर कोई शख्स सड़क हादसे में घायल किसी शख्स को अस्पताल लाता है तो पुलिस उसे परेशान नहीं करेगी। मदद करने वाले की मर्जी के बिना पुलिस और अस्पताल उसका नाम नहीं पूछेंगे, न ही जबरन गवाह बनाएंगे। अस्पताल मदद करने वाले लोगों से घायल के इलाज के लिए पैसे जमा कराने की मांग नहीं करेंगे। ऐसा न करने वाले पुलिस वालों और अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वर्ष 2013 में आई सेव लाइफ फाउंडेशन की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 4 में से 3 लोग सड़क दुर्घटना में घायल इंसान की मदद नहीं करते। 88% लोग कानून और पुलिस के चक्कर से बचने के लिए किसी की मदद नहीं करते। 77% लोग अस्पताल की औपचारिकताओं से बचने के लिए घायलों की मदद करने में हिचकिचाते हैं। साल 2014 में 4.5 लाख से ज्यादा दुर्घटनाओं में 1,41,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। भारत में गुप्त दान करने की परंपरा रही है, लेकिन अगर आप सड़क में घायल किसी मरीज की मदद करना चाहते हैं तो आपको अपना नाम पता सब बताना पड़ता था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद आप गुप्त दान की तर्ज पर ही गुप्त मदद कर सकते हैं बिना अपना नाम बताए और लोगों की जान भी बचा सकते हैं। पवन नारा, जी मीडिया, दिल्ली। मेरे सहयोगी असीम इस वक्त और इस पूरी खबर पर जानकारी के लिए जुड़ गए। असीम, चलिए ये तो अच्छी बात हुई कि लोगों को संवेदनशील बनाया जा रहा है कि सड़क हादसे में कोई अगर घायल हो जाता है उसे अस्पताल पहुंचाया जाए तो उसे परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन सुनिश्चित कैसे किया जाएगा कि अस्पताल या पुलिस उसे परेशान न करेगी? देखिए, जो कमेटी बनाई थी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, उस कमेटी ने करीबन 12 रिकमेंडेशन जो है अपनी दी थी। उसमें ये कहा गया था कि अगर कोई भी आदमी जो है किसी और को पहुंचाता है तो वो उसके खिलाफ किसी भी तरह की कोई कार्रवाई जो है वो नहीं की जाए, पुलिस वाले जो है उसको तंग ना करें। तो इस तरह की गाइडलाइंस जो है सुप्रीम कोर्ट ने अब उनको जारी कर दिया है, क्योंकि पहले कहा गया था कि जब तक पार्लियामेंट किसी भी तरह का कानून जो है वो नहीं बना लेती है उनको एनफोर्स करना जो है मुश्किल होगा। तो इसलिए आप सुनिश्चित कीजिए, आप सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर इशू करें इस तरह की गाइडलाइंस। तो सुप्रीम कोर्ट ने वो गाइडलाइंस अब फिलहाल जारी कर दी है और जल्दी स्टेट्स इसको इंप्लीमेंट करेंगे। सबसे बड़ी जिम्मेदारी अब स्टेट्स की होगी और पुलिस वालों की होगी कि जो भी अगर कोई मदद करने के लिए कोई भी अगर आदमी सामने आता है तो उसको किसी भी तरह की क्वेश्चंस जो है वो ना पूछे जाए, साथ ही साथ हॉस्पिटल्स जो है उसको पैसा जमा कराने के लिए ना कहे कि आप इसको एडवांस में हमें मदद दीजिए। पुलिस जो हॉस्पिटल्स हैं पेशेंट को मना भी ना करे कि इलाज के लिए, तो ये एक अगर गाइडलाइंस को प्रॉपरली इंप्लीमेंट जो है वो किया जाता तो बहुत से लोगों की सड़क दुर्घटना में जिनकी जान जाती है वो बच सकती है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण खबर है। असीम, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और वो है रिंगिंग बेल से जुड़ी हुई। 251 रुपए में स्मार्टफोन देने का दावा करने वाली कंपनी रिंगिंग बेल्स चौतरफा घिरती नजर आ रही है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रिंगिंग बेल्स के प्रिंसिपल मोहित कुमार, साथ ही धरना गर्ग और अशोक कुमार चड्ढा को अंतरिम जमानत देते हुए तीनों को अपने पासपोर्ट जमा करने का आदेश दिया है। उन्हें 24 घंटे के अंदर नोएडा के एसएसपी के पास अपने पासपोर्ट जमा कराने होंगे। कोर्ट ने इस मामले में यूपी सरकार से 5 अप्रैल को अपनी रिपोर्ट भी पेश करने का आदेश दिया है। इस बीच कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने वाले बीजेपी सांसद किरीट सुमैया ने नोएडा के एसएसपी से मुलाकात की। कंपनी को फेक बताते हुए सुमैया ने कहा कि नोएडा पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और कुछ ही दिनों में यह साफ हो जाएगा कि रिंगिंग बेल्स अपनी कंपनी लोगों के साथ फ्रॉड करना चाह रही है इस पूरे कंपनी के जरिए। असीम, इसी खबर पर और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। असीम, साफ तौर पर यही लगता है इस कार्रवाई के बाद कि और ज्यादा मुश्किलें बढ़ गई है रिंगिंग बेल्स की। जी, कंपनी का थोड़ी मुश्किल में जो है पड़ती हुई नज़र आ रही है। कृत सोमाया जो बीजेपी एमपी है उन्होंने पिछले ही हफ्ते जो है एफआईआर लिखवाई थी और ये कहा था कि कंपनी जो है मनी लॉन्ड्रिंग जो है कर रही है, चिटफंड की तरह एरिया जो है वो पैसा जो है वो जुटा रही है तो उससे रोका जाए। तो नोएडा में जो एफआईआर जो है वो दर्ज की गई थी, कंपनी आज इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंची और उस एफआईआर को क्रैश करने की जो है मांग की, लेकिन जो इलाहाबाद हाईकोर्ट है उसने आदेश दिया कंपनी के प्रमोटर्स को कि अपने पासपोर्ट जो है 24 घंटे के अंदर
SSP नोएडा को जो है वो जमा कराई है, ये इसलिए ताकि जो प्रमोटर्स हैं वो देश छोड़ के ना जा सके, और दूसरा ये कि पुलिस को आदेश दिया कि 5 अप्रैल तक जल्द से जल्द अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो फाइल करें। अब जब तक पुलिस अपनी रिपोर्ट फाइल करती है तब तक इनके लिए थोड़ी सी राहत है कि एक चिटिंग के मामले में जो इनको दर्ज कराया गया कि इनको किसी तरह से गिरफ्तार जो है वो नहीं किया जाएगा, इनके ऊपर कोई भी कोर्सिव एक्शन जो है वो नहीं लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया असीम इन दोनों खबरों पर अपडेट के लिए आपका। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं विजय माल्या की। बैंकों का करीब 9,000 करोड़ रुपए लेकर विदेश भागे विजय माल्या ने बैंकों के सामने समझौते का प्रस्ताव रखा है। इसके तहत माल्या बैंकों को 4,000 करोड़ रुपए देने को तैयार हैं। माल्या ने बैंकों को 30 सितंबर तक ये रकम देने की पेशकश की है। इस प्रस्ताव के तहत माल्या अपफ्रंट पेमेंट के तौर पर बैंकों को 2,000 करोड़ रुपए देंगे, जबकि बाकी 2,000 करोड़ रुपए 30 सितंबर तक दिए जाएंगे। माल्या की ओर से इस ऑफर की पेशकश उनके वकील एस वैद्यनाथन ने सुप्रीम कोर्ट में कर दी है। वकील ने इस पर चुप्पी साध ली कि माल्या लंदन से भारत लौटेंगे या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने माल्या के ऑफर पर जवाब देने के लिए बैंकों के कंसोर्शियम को 1 हफ्ते का समय दिया है। साथ ही मामले की अब अगली सुनवाई 7 अप्रैल को होगी। वहीं बैंकों ने कहा है कि वो माल्या के प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं। आपको बताएं कि माल्या 2 मार्च को देश से बाहर चले गए थे। IDBI बैंक लोन फ्रॉड केस में ED ने माल्या को 2 अप्रैल को पेश होने के लिए समन भेजा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने माल्या को लताड़ लगाई। हुआ यूं कि माल्या के वकील ने कोर्ट में कहा था कि मीडिया माल्या के खिलाफ कैंपेन चला रही है, इसलिए प्रस्ताव सार्वजनिक ना हो। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मीडिया बहुत अच्छा काम कर रही है। मीडिया माल्या के खिलाफ कैंपेन चला रही है, इसलिए प्रस्ताव सार्वजनिक नहीं किया जाए। मीडिया अच्छा काम कर रही है, ये आम लोगों के हित में है। इस बीच विजय माल्या लगातार ट्वीट पे ट्वीट किए जा रहे हैं, और इस बार ट्वीट उनके बेटे के बारे में था। माल्या ट्वीट करके कहते हैं कि इस पूरे विवाद में उनके बेटे को टारगेट न किया जाए। माल्या ने लिखा अपने ट्वीट में, और मैं पढ़कर आपको ये सुना रही हूं उनका ट्वीट, जिसमें उन्होंने लिखा कि मेरे बेटे सिद्धार्थ को इस विवाद में लपेटना सही नहीं है। साथ ही ट्वीट में आगे विजय माल्या लिखते हैं कि उसका मेरे कारोबार से कोई लेना देना नहीं है, मुझे गाली दीजिए लेकिन मेरे बेटे को बख्श दीजिए। वैसे विजय माल्या ने जो प्रस्ताव सामने रखा है उसे कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं, और जी मीडिया 5 सवाल यहां पर पूछ रहा है कि आखिरकार ये जो प्रस्ताव विजय माल्या की तरफ से रखा गया है वो कितना जायज है, क्या माल्या ये कदम दबाव में उठा रहे हैं। दूसरा सवाल ये उठता है कि क्या माल्या मूल रकम चुकाकर फंदा छुड़ाना चाहते हैं। एक और सवाल हम पूछते हैं कि क्या इससे दूसरे डिफॉल्टर्स को गलत संदेश नहीं जाएगा, एक रॉन्ग एग्जाम्पल सेट नहीं होगा। एक और सवाल पूछा जा रहा है कि क्या सरकार की इमेज को इससे झटका नहीं लगेगा कि इतने बड़े विलफुल डिफॉल्टर को बस इस तरीके से छोड़ दिया जाएगा। और 5वां सवाल, ऐसे प्रस्ताव से माल्या समय तो नहीं बर्बाद कर रहे हैं सरकार का और बैंक्स का। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारों इशारों में कहा था कि माल्या को छोड़ा नहीं जाएगा। पीएम ने कहा था कि जो लोग देश का पैसा लेकर विदेश भागे हैं उन्हें कतई नहीं बख्शा जाएगा, सरकार हर हालत में ऐसे लोगों से कर्ज वसूलेगी। इसके पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी कहा था कि माल्या से पाई पाई वसूली जाएगी। कांग्रेस पार्टी तो बैंकों को अमीरों के लिए खोल दिया, अमीरों के लिए, और कैसे कैसे अमीरों ने बैंकों के पैसे दबाए हैं। अभी मैंने जरा स्क्रू टाइट किए हैं तो उनका पसीना छूट रहा है, जेल के सलिए सलाखे दिख रहे हैं, भागे जा रहे हैं, कोई बचने वाले नहीं है। मैं बता देता हूं भाइयों, ये पैसे ये बैंकों से जिन्होंने पैसा लूटा है वो पैसा बैंकों का नहीं, हिंदुस्तान के गरीबों का पैसा है, और वो मैं वापस ला करके रहने वाला। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में बताया, वो विषय सुप्रीम कोर्ट में है क्योंकि बैंक सुप्रीम कोर्ट भी मूव किए हैं कि उनको बाहर जाने की अनुमति, उनका पासपोर्ट सीज किया जाए, वो उससे पहले जा चुके थे। आप अगर उदाहरण चाहते हैं तो मैं बहुत उदाहरण दे सकता हूं कि जहां लोग उस दिन कोई आदेश नहीं था उनको रोकने का किसी एजेंसी का, उनके एसेट्स कई अटैच कर लिए गए हैं, और बैंक्स पूरे कदम उठा रहे हैं कि एक एक पैसा जो इन कंपनियों से और इन व्यक्तियों से रिकवर करना है वो लोग रिकवर करेंगे।
खबर यह भी है कि विजय माल्या यूनाइटेड स्पिरिट्स और यूनाइटेड ब्रूवरीज में अपनी हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक यूबी ग्रुप की होल्डिंग कंपनी यूबी होल्डिंग्स यूनाइटेड स्पिरिट्स में 2.9% हिस्सा बेच सकती है, जबकि यूनाइटेड ब्रूवरीज में 11.46% हिस्सा बेच सकती है। माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में पेश किए गए प्रस्ताव के लिए पैसे जुटाने के लिए विजय माल्या अपनी हिस्सेदारी बेच सकते हैं। इस बीच यस बैंक ने यूबी के 6 लाख शेयर्स को जब्त कर लिया है। ये शेयर्स विजय माल्या ने यस बैंक के पास गिरवी रखे हुए थे। खबरों में अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शेयर मार्केट की। अच्छे विदेशी संकेतों के चलते शेयर बाजार में 2 दिन की गिरावट पर ब्रेक लग गया और 23 जनवरी के बाद निफ्टी 7,700 के पार बंद होने में कामयाब रहा। आज के कारोबार में सेंसेक्स 438 अंक, निफ्टी 138 अंक की बढ़त के साथ बंद हुए। बैंक, रियल्टी, ऑटो कंपनियों के शेयरों में जोरदार खरीदारी देखने को मिली, तो वहीं इसके अलावा शुगर और मेटल शेयरों में तेजी देखने को मिली। आगे आपके सामने इवेंट है क्रेडिट पॉलिसी की, जिसमें अगर 25 बेसिस पॉइंट रेट कट होता है तो होपफुली मार्केट जहां पे है उसके आसपास ही रहेगी, और अगर 50 बेसिस पॉइंट रेट कट आ जाता है तो ऑब्वियसली मार्केट के ऊपर जाने की गुंजाइश बढ़ जाती है, और अगर रेट कट नहीं आता है जिसकी गुंजाइश बहुत ही कम है, जिसकी प्रोबेबिलिटी नामुमकिन के बराबर है, तो मार्केट गिर सकता है। सो अब यहाँ से क्रेडिट पॉलिसी में क्या इवेंट बनती है उस हिसाब से मार्केट के रुख शॉर्ट टर्म में तय होगी। पीएसएल के 2 डायरेक्टर्स की जमानत याचिका खारिज हो गई है। कंपनी के 2 डायरेक्टर सुब्रत भट्टाचार्य और गुरमीत सिंह ने जमानत के लिए दिल्ली के 30,000 कोर्ट में अर्जी दी थी और कोर्ट ने दोनों की ही अर्जी खारिज कर दी। निवेशकों से धोखाधड़ी के मामले में सीबीआई ने पीएसएल के 4 डायरेक्टर्स को गिरफ्तार किया है जो अभी न्यायिक हिरासत में है। पीएसएल को निवेशकों के 49,000 करोड़ रुपए लौटाने हैं। पीएसएल की विदेशों में भी बड़ी संपत्ति है, और जी मीडिया ने खबर दिखाई थी कि पीएसएल ऑस्ट्रेलिया में होटल बेचने की कोशिश कर रहा है, और इस खबर के बाद निवेशक सुप्रीम कोर्ट में शिकायत की तैयारी कर रहे हैं। सेंचुरी कम्युनिकेशन लिमिटेड यानी सीसीएल के प्रमोटर्स के खिलाफ सीबीआई ने मामला दर्ज कर लिया है। सीबीआई ने सीसीएल प्रमोटर प्रबोध कुमार तिवारी के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। यह कार्रवाई इंडियन ओवरसीज बैंक की शिकायत पर दर्ज किया गया है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी ने पीएमएलए के तहत जांच शुरू कर दी। प्रबोध कुमार तिवारी महुआ चैनल के प्रमोटर हैं, वहीं ईडी ने सीसीएल के 112 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। बैंकों ने सीसीएल को करीब 556 करोड़ रुपए का लोन दिया, और ये लोन चेन्नई, मुंबई, नोएडा में नए स्टूडियो बनाने के लिए दिया गया था। आरोप है कि बैंक कर्मचारियों की साठगांठ से फर्जी दस्तावेजों के जरिए ये लोन दिया गया था। बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2016 के पहले विदेश दौरे पर ब्रसेल्स पहुंच गए हैं। यहां पर वो भारतीय यूरोपीय संघ शिखर वार्ता में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री का विशेष विमान आज सुबह के उजाले से पहले ब्रसेल्स के मिलिट्री एयरपोर्ट पहुंचा। पीएम ब्रसेल्स के जिस होटल में रुके वहां बड़ी तादाद में भारतीय समुदाय के लोग उनका स्वागत करने पहुंचे। लोगों ने भारत माँ की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए। प्रधानमंत्री लोगों से मिले और कुछ लोगों को उन्होंने ऑटोग्राफ भी दिया। प्रधानमंत्री ब्रसेल्स में हुए सीरियल धमाकों के 8 दिन बाद यहां पहुंचे हैं। यूरोपीय संघ और बेल्जियम से बातचीत में आतंक पर प्रमुखता से चर्चा होगी। भारतीय यूरोपीय संघ शिखर वार्ता 4 साल बाद हो रही है। भारत मेक इन इंडिया और स्मार्ट सिटी को लेकर यूरोपीय संघ से साझेदारी बढ़ाने की कोशिश करेगा। यूरोपीय संघ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों के बीच 126 अरब डॉलर का व्यापार हुआ। बेल्जियम दौरे पर गए पीएम नरेंद्र मोदी ने ब्रसेल्स के मालबीक मेट्रो स्टेशन जाकर बम ब्लास्ट में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। इसी मेट्रो स्टेशन पर हुए विस्फोट में भारतीय इंजीनियर राघवेंद्रन की मौत हुई थी। पीएम आज ही बेल्जियम के दौरे पर पहुंचे हैं। पीएम का यहां पर पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। ब्रसेल्स में पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। बात करते हैं अब नए फोन की। लावा फोन से देश का पहला फीचर फोन लॉन्च किया है। फोन में हिंदी, असमी, बंगला, बोडो, डोगरी, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी जैसी 22 भाषाओं में टाइप करने की सुविधा दी गई है, और साथ ही कुछ और सुविधाओं के तहत फोन की इंटरनल मेमोरी 32 MB जिसे
32 GB तक एक्सपैंड किया जा सकता है और 1500 रुपए इसकी कीमत रखी गई है। न्यूज़ 5 के इस बुलेटिन में बस इतना।